हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमें कई तरीके के ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, पर फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला या प्रोसेस बताने जा रही हूं जिसको आप फॉलो करके हर तरीके के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्शन पहली बार आया हो या वो ऑब्जेक्शन आप पहले भी सुन चुके हैं। फ्रेंड्स, हर तरीके के ऑब्जेक्शन को यह प्रोसेस तुरंत ख़त्म कर देगा। जिस तरीके से हर काम का एक प्रोसेस होता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी एक प्रोसेस होता है। आइए देर ना करते हुए हम इस प्रोसेस को जानते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं आपको ये सर्कल दिखा रही हूँ, ये है वही मशीन प्रोसेस या फॉर्मूला जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्शन डालेंगे तो वह चंद मिनटों में ऑब्जेक्शन को गायब कर देगा। इस सर्कल को हम कहते हैं यूनिवर्सल ऑब्जेक्शन सर्कल, और इस सर्कल को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है एक्नॉलेजमेंट यानी ए, दूसरा है आस्क द राइट क्वेश्चन यानी क्यू, तीसरा है एस ऑब्लिक ई यानी सॉल्यूशन और एग्जांपल, एंड लास्ट है मेक इट रिलेटेबल आर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्नॉलेज, ए। एक्नॉलेज का मीन्स होता है एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। क्लाइंट आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करता है तो आपको सबसे पहला काम है आप उसे एक्सेप्ट करिए। ऑब्जेक्शन के प्रति डिफेंसिव कभी नहीं होइए। जैसे ही आप डिफेंसिव होते हैं, क्लाइंट आपको सुनना बंद कर देगा। फिर आपकी कितनी भी कोशिश कर लें, आप वहाँ कुछ भी बेच नहीं पाएंगे। वैसे भी क्लाइंट जो भी कुछ बोलते हैं वह उसकी नज़रों में सही होता है, भले आपकी नज़र में वो गलत हो। यहाँ इस कार्टून को देखिए, इसमें दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं पर बहस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को सम्मान दीजिए और कहिए हाँ आप सही बोल रहे हैं। दूसरा पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्यू यानी आस्क द राइट क्वेश्चन। क्लाइंट से सही क्वेश्चन पूछिए। याद रखिए, समझाने वाला सेल नहीं कर पाता है, क्वेश्चन पूछने वाला ही सेल कर पाता है। बस सही जगह पर सही क्वेश्चन पूछिए। आप सही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी को सही जवाब मिलेगा। गलत सवाल पूछते ही सेल आपके हाथ से निकल जाएगी। अब फ्रेंड्स थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन एंड एग्जांपल। क्लाइंट को सवाल पूछकर आपने जो भी प्रॉब्लम फाइंड आउट की है उसका सॉल्यूशन क्लाइंट को दीजिए। फ्रेंड्स, क्लाइंट को कभी भी बेवकूफ मत समझिए। उसको वही प्लान बताएं, उतने ही टाइम पीरियड का प्लान बताएं जो उनके लिए सही हो, ना कि आपके लिए सही हो। याद रखिए, आपको सेल एक बार नहीं करनी है, बल्कि आपको उसके परिवार से रिलेशन बिल्ड करके हर साल बिजनेस निकालना है। इसलिए ऑलवेज गिव द राइट सॉल्यूशन टू योर क्लाइंट। तो अब लास्ट पार्ट है आर मीन्स मेक इट रिलेटेबल। आप जो भी सॉल्यूशन बता रहे हैं आप उसे क्लाइंट से रिलेट करके ज़रूर बनाइए। मतलब आपके बताए हुए सॉल्यूशन से क्लाइंट जुड़ा हुआ महसूस करे, उसे लगे कि जो आपने सॉल्यूशन बताया वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज किसी क्लाइंट ने ऑब्जेक्शन किया तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्शन ले रही हूँ और उन्हें किस तरीके से यूओसी से के थ्रू मैं सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। ऑब्जेक्शन नंबर वन, मेरे पास पहले से ही एजेंट है जो मेरी रिलेशन में है। आई हैव ऑलरेडी इंश्योरेंस एजेंट हु इज़ इन माई रिलेशन। तो आप इसका कैसे जवाब देंगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस एजेंट है और वो आपके रिलेशन में भी है। अब नेक्स्ट, अब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रेट, पर क्या आप जब बाहर निकलते हैं अपनी कार में तो कार में स्टेपनी होती है या नहीं? मतलब आपकी कार में चार टायर के बावजूद एक एक्स्ट्रा टायर भी तो होता होगा। तो वो आंसर देंगे हाँ। तो आपके पास, आप उसे एग्जांपल देंगे, आपके पास चार टायर हैं जो कि सही काम कर रहे हैं, फिर भी आप एक एक्स्ट्रा टायर रखते हैं जिससे आपको कुछ घंटे के सफ़र में परेशानी ना उठानी पड़े। फिर पूरी ज़िंदगी के सफ़र में आप सिर्फ एक ही इंश्योरेंस एजेंट पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको इसमें रिलेटेबल बनाना है।
मुझे पॉलिसी देकर आप अपने लिए स्टेफनी एजेंट का बंदोबस्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 2, तुम बहुत छोटे हो, मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से इंश्योरेंस लूँगा। यू आर वेरी यंग सो आई विल टेक इंश्योरेंस फ्रॉम सम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास ये ऑब्जेक्शन आएगा, तुम बहुत छोटे हो, मैं किसी एक्सपीरियंस से पॉलिसी लेना चाहूँगा, तो आप सबसे पहले एक्नॉलेज का यूज़ करेंगे, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कहेंगे, आप सही कह रहे हैं, मैं वाकई में एज में बहुत छोटा हूँ आपसे, और आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है। उसके बाद आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है। तो आपको उनसे क्वेश्चन करना है, तो आप किससे इंश्योरेंस लेना चाहोगे, लगभग अपनी उम्र के आसपास के इंसान से या जिसकी एज 50 के आसपास हो। तो आप उन्हें रिलेट करना है कि मिस्टर राज, अगर आप 50 साल के एजेंट से 20 साल की पॉलिसी लेंगे, तो 50 से 20 साल बाद आप उनकी एज 70 होगी। तो आप सोचिए, वो कहाँ होंगे, या तो वो नहीं रहेंगे, या तो फिर उनकी एज ऐसी हो जाएगी कि वो भाग दौड़ करने में असमर्थ हो जाएंगे। और अगर आप मुझसे पॉलिसी लेते हैं, तो मैं अभी 20 साल का हूँ, और 20 साल बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली 40 का हो जाऊँगा, और मैं 40 की उम्र में बहुत अच्छे से आपको सर्विस दे पाऊँगा। ऑब्जेक्शन नंबर 3, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं कम उम्र वाले व्यक्ति से इंश्योरेंस लूँगा। यू आर ओल्डर सो आई विल टेक इंश्योरेंस फ्रॉम अ यंगर पर्सन। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करिए और कहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी एज ज़्यादा है और मार्केट में मुझसे कम एज के कई एजेंट हैं, पर मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो आप उनसे क्वेश्चन करिए कि अगर आपके दांत में दर्द है, तो आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी मेडिकल स्टूडेंट के पास जाएंगे जिसने जस्ट अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई कम्प्लीट की हो। ऑब्वियसली सी बात है कि आप उनका जवाब यही आएगा कि आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो उनके जवाब का आपको इंतज़ार करिए और उन्हें सॉल्यूशन दीजिए। आप सही कह रहे हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है, पर मेरे पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री और लाइफ का एक्सपीरियंस कई बढ़कर है, वो उस नए एजेंट के पास नहीं होगा। मैं फ्यूचर में आने वाली हर तरीके की प्रॉब्लम में आपको एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ, और आपका नया एजेंट जो आप नहीं दे पाएगा, जो अभी नया जिसने एजेंसी ली है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं, ताकि हम आपके ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करने का प्रयास करें और आगे वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्शन की सीरीज़ चलती रहेगी। बहुत जल्द हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम ये सारे ऑब्जेक्शंस के वीडियो बना के रखेंगे, ताकि आपके पास जब भी कोई क्लाइंट ऑब्जेक्शन करे, आप तुरंत वो वीडियो देख के उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon.